सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद आई। होप सब बढ़िया होंगे, मजे लेंगे। तो भाई आज लेकर आ चुके हैं फिर से अपना S2 S11 प्रॉपर वीडियो रहने वाली है। ये गाड़ी ऐसा आई थी हमारे पास और कंपनी से डायरेक्ट आई है और S11 कन्वर्ट होने। तो बिना किसी देखे मिलवाते राम भाई से कि क्या क्या इसमें फाइनल लुक में काम रहने वाला है एक प्रॉपरली अच्छे खासे बजट में। तो बहुत स्वागत है, क्या चल राम भाई? बढ़िया भैया, आज क्या लेकर आ गए? S2 S11 कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट कराया अपना। एक बोले तो 1.5 से 2 लाख रुपए का इसमें बजट रहने वाला है और एलॉय से हटके जो बजट है इसका, क्योंकि एलॉय लगा के तो 3 के 2.5-3 के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें इतना प्यारा लगा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी जो एसेसरीज इसमें जो भी चीजें लगी है उसे कवर करते हैं, क्या क्या रहने वाली है फाइनल लुक में। फ्रंट में क्या रहने वाला है? फ्रंट से हमने हेडलाइट पूरी इंस्टॉल करी है टॉप मॉडल वाली, जो DRL आईब्रो के साथ और अंदर प्रोजेक्टर के साथ आपको मिल जाता है। अच्छा, मात्र 14,000 रुपए के अंदर। 14,000 रुपए के अंदर जी। जेन्युइन महिंद्रा DRL 7,000 रुपए, जेन्युइन महिंद्रा फोगेट 1,800 रुपए। 1,800 रुपए अपना रहने वाली है। इसमें ग्रिल चेंज नहीं है भैया, क्योंकि महिंद्रा से लगवाएंगे कल। भैया आज ही गाड़ी लेके आए और कल ही इसको कंपनी में ले आए, ग्रिल चेंज करवाएंगे, स्पॉइलर और दोबारा इसकी डिलीवरी ली जाएगी प्रॉपर अच्छे खासे तरीके से अलॉय के साथ अपना, है ना। तो ये चीजें तो हो गई जो भैया लगवाएंगे। उसके बाद साइड लुक में बात करते हैं। साइड लुक में रहने वाले अपने मेन चीज जो कि हमारी दुकान से नहीं लगे हैं, पर ये प्रॉपरली अच्छा खासा लुक दे रहे हैं, करोल बाग में लगवाए भैया ने आज की। तो ये चेक कर सकते हो, 22 इंच के एलॉय रहने वाले क्रोम डिजाइन में। इसके अलावा भाई कोई भाई का बजट नहीं है, क्लासिक वाले लगवाना चाहता तो क्या प्राइस पड़ जाएगा? क्लासिक वाले भाई लगवाओगे 32,000 रुपए तक के आपको जो है रिम देके मिल जाएगा। अगर रिम लेके जाना तो 34,000 रुपए, जिसे ड्रम कह देते हैं बीच वाला, बेस मॉडल में जो आता है। उसके बाद बॉडी पेंट साइड लुक पर देखो, मैच स्पार्कल चेक कर सकते हो आप दोनों पे। हां जी, अच्छा। तो ये प्रॉपर जो भी इसमें बॉडी का काम होता है पेंट का, वो 15,000 रुपए के बीच में के पूरा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये साइड बॉर्डर भी सिल्वर कर दिया जो कि S11 में आता है। भैया ने इंडिकेटर जो है ये रैप करा दिया है जो कि दिखे ना, और यहाँ पे साइड मिरर लगा दिया जो कि अपना एडजस्टिंग होता है, ऑटो फोल्ड नहीं आता है ना कि S11 में, और ना ही अब तक जो स्कोर पाई उनमें भी नहीं आता है ना। नीचे से भैया ने ये कंपनी फिटेड है इसके अंदर। अगर हमारे साथ तो मोडफ्लैप तो मोडफ्लैप मिल जाएगा मात्र आपको 5,500 रुपए के अंदर। 5,500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे डोर हैंडल चेक कर सकते हो, ये भी हमने पेंट कर दिया है। ऊपर से रूफ रेल्स कंपनी फिटेड है, जेन्युइन महिंद्रा। हमारे से लगवाते हो तो 5,500 रुपए का मिल जाएगा। 5,500 रुपए जेन्युइन महिंद्रा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसका पिलर लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है जो आपको कॉस्टिंग करेगा मात्र 4,500 रुपए। यहाँ पे इसकी बैचिंग अभी हटके S11 बनेगी, S11 हो जाएगा। नीचे रिफ्लेक्टर लगा दिया, रिफ्लेक्टर चेंज कर दिया इसके अंदर हमने। स्कॉर्पियो की बैचिंग के साथ डमी वाइपर भाइयों के लिए बेस्ट टू टॉप रहने वाला है, फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। और इसमें जो अभी स्पॉइलर लगा रही है भैया जो है कंपनी से, दो चीजें ग्रिल और स्पॉइलर कंपनी से रहने वाला है। भैया अभी जाके लगवा लेंगे, मतलब कल सुबह। अंदर से क्या क्या रहने वाला है? डोर पैनल चेक कर सकते हो मात्र 18,000 रुपए पूरा काम कराने पे। स्विच ब्रैकेट और पीछे से बात करूँ मैं तो सिर्फ 18,000 में ये नहीं आता, आपका ग्रैब हैंडल आता है, इनर हैंडल आता है, ट्रिम आता है, स्विच आता है, चारों डोर होगी, बीच का बोतल होल्डर आता है, ये सारा कुछ 18,000 की कॉस्टिंग में आता है। 18,000 की कॉस्टिंग पड़ जाती है। और इसमें बात करें तो ये चेक कर सकते हो, बोतल होल्डर यहाँ मिल जाएगा अंदर से। इसमें S11 अभी पे आप स्टीयरिंग देख सकते हो, प्रॉपर हमने चेंज कर दी इसके अंदर, जिसमें स्टीयरिंग कंट्रोल हमने 5,000 का इंस्टॉल किया है। अच्छा, और सामने मीटर भी चेंजेस किया है, 8,500 विद कोडिंग ये मीटर रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एसी वेंट्स लगा दिए क्रोम वाले, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आता है ना। यहाँ प्रॉपर जो है 5 फेसेस के अंदर क्रोम रहने वाला है, लुक एनहांस कर देता है, मतलब अंदर से अच्छा खासा लुक हो जाता है जो है अंदर बैठ के दिखाता है। इसमें फ्रेम चेक कर सकते हो जो कि अपना सेम S11 में आता है वही वाला हमने हाइड्रो डिप कर दिया है। और इसमें एक चीज और लगी है जो कि भाई S11 में भी नहीं आती आज वाली में, मतलब 2024 वाली में। ये चेक करूँ, देखो ये मैंने चाबी लगाई इसमें, पर आवाज चेक करना अपनी, तो ये प्रॉपरली पहली वाली स्कोर पे में आती थी जो आज के टाइम में हम करोल बाग में लगा रहे हैं इन चीजों को। तो ये कस्टमर डिमांड थी अपनी, भैया लगवाना चाहते तो हमने ये प्रॉपर करके दी है। हाँ जी। अच्छा, तो इसका बजट क्या रहने वाला है? इस गाड़ी का आया ऑल ओवर विदाउट अलॉय बजट आया है 1,60,000 के बजट, 60-65 के बीच में, जिसमें की सारा काम हो चुका है, एक अपना ग्रिल और स्पॉइलर छोड़ के। अच्छा, हम इसमें ना क्वालिटी वाला होगा, जैसे कि आप सिस्टम भी देख सकते हो, तो इसमें नाका मिर्ची का सिस्टम लगा है अपना, एप्पल कार प्ले वाला, आगे भी जो है JBL के आपके स्पीकर्स डले और पीछे भी आपके JBL के ही हमने स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, तो जो काम था ये क्वालिटी वाइज बहुत प्यारा काम हुआ है इसके अंदर। ये कहते हैं ना कि आप क्वालिटी चीज लगाओगे ना तो उसकी कोई एंड नहीं है, तो वही चीज इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। AC वेंट्स प्रीमियम काम। हाँ, प्रीमियम काम। देखो फ्रेम की रुक देखो, बाकी सिस्टम जो हम डायमंड वाला लगाते हैं उससे अच्छा लुक और इनहांस इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है अपना जेन्युइन जैसा आता है S11 में ना। बाकी कोई भी अगर आप सिस्टम लगाओगे ना ये कट नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल ये ढक जाता है, लेकिन आपका AC वेंट हो या फिर क्लियरली दिख रहे हैं। और सिस्टम भी बहुत प्यारा लगा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत स्मूथ है ये बिल्कुल। यहाँ हमने बोनेट भी जो है डैम्पिंग करी है ब्लोपंग की, जो आपको पूरा जो है इंजन नॉइज जो है आपको रिड्यूस कर देगा, मतलब गाड़ी चलाते टाइम बिल्कुल भी आवाज ना आए, है ना, आवाज नहीं आए बिल्कुल। और इसके बाद चारों पांचों डोर भी दरवाजों भी जो है डबल ये डैम्पिंग, फर्क दिखा दो भाई क्या फर्क आता है, ये देखो ये आपकी डैम्पिंग होने के बाद की आवाज है साउंड, और एक बार उसमें दिखा दो उसमें डैम्पिंग नहीं हुई है।
ये चेक करो भाई, महिंद्रा भी मतलब 19-20 का फर्क नहीं, ज्यादा का फर्क कर देते हैं। बिल्ड क्वालिटी हैवी हो जाती है दरवाजे की, साउंड प्रूफ हो जाता है, और बाकी जो भी आप सिस्टम इसके अंदर लगाओगे तो स्पीकर फटेगा नहीं, बजेगा। और हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलेगी तो बाहर की रोड की आवाज, रोडवेज की आवाज भी कम हो जाएगी। तो अपनी लोकेशन वगैरह क्या रहने वाली है? लोकेशन भाई अपनी रहने वाली है नई दिल्ली करोलबाग आर एस समाज रोड विपुल का श्रृंगार। अच्छा, तो विपुल का श्रृंगार अपनी दुकान रहने वाली है। नंबर क्या रहने वाला है? 8287136611। तो राम भाई इसमें बोले कस्टमर फीडबैक इसलिए नहीं रहने वाला क्योंकि जो भैया जहाँ के रहने वाले उन्हें 1% अभी दिखाने नहीं दिखाने का क्योंकि बेस मॉडल वो लाए थे। हाँ। गांव आसपास में टॉप मॉडल दिखाई जाएगी गाड़ी, कहीं से भी पहचान। गाड़ी जब यहाँ से एजेंसी जाएगी, हाँ, वहाँ जाके डिलीवरी होगी, पूरी हाँ, फैमिली जाएगी, पूरी गैदरिंग, रील वगैरह वीडियो वगैरह वहीं से शूट स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद दिखेगा कि हाँ भैया ने जो है टॉप मॉडल। प्राइवेसी होती है कुछ कुछ, है ना। हाँ जी, तो प्रॉपर हमने बता दिया। अगर किसी भाई के पास प्रॉपर एक बेस वेरियंट रहने वाला है या पहले वाला वेरियंट भी रहने वाला है, उसे कन्वर्ट कराना चाहता है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में, तो बहुत प्यार से बहुत कम बजट में अच्छे बजट में क्वालिटी वाली चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। तो यहीं तक देखो अपनी कुछ वीडियो रहे, वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं राम भाई के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में।